हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट दोस्तों आज तेईस अप्रैल और आज के इस वीडियो में हम तेईस अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पी चाहिए तो आप हमारी इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को डेली क्विज फ्री पी और पर डे के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हाल ही में भारत के सिक्सटी ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं तो ये भी हाल ही में बन गए हैं अर्जुन कल्याण ग्रैंड मास्टर का खिताब ये चेस से रिलेटेड है यानी कि शतरंज में दिया जाता है तो अर्जुन कल्याण ये बने हैं भारत के सिक्सटी एट्थ ग्रैंड मास्टर जो कि बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखेंगे कि भारत में ये जो सिक्सटी एट ग्रैंड मास्टर हैं इसमें सबसे ज़्यादा ग्रैंड मास्टर ये तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं तो ये बने हैं सिक्सटी एट अभी कुछ समय पहले ही जो गोवा के लियोन मेंडो का है ये भारत के 67 ग्रैंड मास्टर बने थे जी आकाश ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं ये भारत के सिक्सटी सिक्स ग्रैंड मास्टर बने जबकि नागपुर के जो रौनक साधवानी हैं ये बने थे भारत के सिक्सटी ग्रैंड मास्टर यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे तो ये थे विश्वनाथन आनंद और भारत में खेल जगत का जो सर्वोच्च अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसके भी पहले विजेता ये विश्वनाथन आनंद ही थे और इनके द्वारा लास्ट ईयर ही एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है माइंड मास्टर तो ये भी आप याद रख सकते हैं अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 साल के ऊपर लोगों के लिए फ्री में वैक्सीनेशन करने की घोषणा की है तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है आप सभी जानते हैं कि एक मई से वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू होने वाला है जिसमें कि अठारह से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जानी है जिसमें कि उत्तर प्रदेश के द्वारा एक सराहनीय फैसला किया गया है इसमें इन्होंने ये ऐलान किया है कि 18 से ऊपर के लोगों को ये जो वैक्सीन दी जाएगी कोरोना की ये पूरी तरह से फ्री में मिलेगी तो यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की इसकी राजधानी है लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल यहाँ का राज्य की पशु बारा सिंगा, पक्षी है सारस पेड़ है अशोक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसे टाइगरों की संख्या को दो गुना करने के लिए टी इंटू टू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया हाल ही में यहाँ के जो जमींदार हैं यानी कि लैंड होल्डर्स के लिए सोलह डिजिट का यूनिक कोड जारी करने की घोषणा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई है नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये बनने जा रहा है भारत का पहला लेदर पार्क जो कि कानपुर में बनाया जाएगा कानपुर ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है यदि आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो ये कानपुर ही है और अभी हाल ही में पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी उत्तर प्रदेश ही बन गया है अगला क्वेश्चन है हाल ही में रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ये किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच की गई है तो आप सभी जानते ही हैं अभी जो कोरोना का संक्रमण फैल रहा है इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज ये पूरे भारत में देखने को मिल रही है मतलब कि किसी ने ये तो सोचा ही नहीं था कि ऑक्सीजन के कारण पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा और ऐसे में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं कल ही मैंने न्यूज़ में देखा कि पहले जो ऑक्सीजन सिलेंडर को भरने का चार्ज हुआ करता था इसे रिफ़िल करने का चार्ज जो ढाई होता था अभी कालाबाजारी के चक्कर में इसका रेट छः सौ से सात सौ कर दिया गया है मतलब कि आप सोच सकते हैं पता नहीं ऐसी भी स्थिति में इन्हें शरीर तो इंसानों को मिला है लेकिन इंसानियत तो बची ही नहीं है हर कोई ऐसा नहीं है लेकिन कई सारे ऐसे चेहरे आ रहे हैं जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं और इस महामारी के बीच में जहाँ सबके सहयोग से इस पैंडमिक से लड़ा जाता है वहीं कुछ लोग ऐसी हरकत करके और स्थिति को बिगाड़ रहे हैं और भारत की हालत हद से ज़्यादा ख़राब होते जा रही है दिन प्रतिदिन जो कोरोना का रेशियो है ये तीन लाख पर डे इससे भी ऊपर जा चुका है हो सकता है आगे ये और भी बढ़ सकता है तो हमें खुद भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है इसके लिए और क्योंकि देखिए भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो भी इतनी सही नहीं है ना ही हॉस्पिटल की कंडीशन इतनी अच्छी है कि वो सबको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवा सके तो कोशिश यही करें कि हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए केयर खुद में करेंगे तो इस बीमारी से लड़ा जा सकता है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी मरीज़ की जान ना जाए इसके लिए रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस इसकी शुरुआत की गई है जो कि ग्रीन कॉरिडोर के जरिए ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया है इसी ग्रीन कॉरिडोर के जरिए महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात दिल्ली उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकेगी इसी की शुरुआत मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच की गई है यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो मुंबई से थाने के बीच भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी कब चलाई गई थी एट्टी में लगभग एक साल पहले और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में भारत की जो पहली किसान ट्रेन है जो कि महाराष्ट्र के नासिक से लेकर के बिहार के दानापुर तक चलाई गई है लेकिन यदि पूछा जाए कि दक्षिण भारत की पहली किसान ट्रेन तो ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से दिल्ली तक चलाई गई तो एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रख सकते हैं अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस ये कब मनाया गया यानी कि इंटरनेशनल अर्थ डे तो ये भी हाल ही में 22 अप्रैल को मनाया गया है ये दिन मनाया क्यों जाता है तो पूरे वर्ल्ड में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए अवेयर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और इस साल इसकी फिफ्टी वन वर्षगांठ है इसकी थीम क्या है तो इस साल की थीम है री स्टोर अवर अर्थ यदि हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो इक्कीस अप्रैल को क्या मनाया गया है राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस उन्नीस अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड लीवर डे और अठारह अप्रैल को मनाया गया है विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे अगला क्वेश्चन है हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार कौन सा साल पृथ्वी पर सबसे गर्म साल हो सकता है तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि ये वाला जो साल है 2021 का ये सबसे गर्म साल हो सकता है इसका कारण क्या है कारण है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ये लगातार बढ़ते जा रहा है जिसके कारण ये समस्या आ रही है आप इसे ग्लोबल वार्मिंग की भी समस्या कह सकते हैं इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये तो आप सभी जानते हैं कि हमें मतलब कि पृथ्वी को जो प्रकाश और गर्मी है दोनों कहाँ से मिलती हैं सूर्य से यानी कि सन से और सूर्य की किरणें ये जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उनमें से कुछ किरणें परावर्तित होकर के अंतरिक्ष में लौट जाती हैं और कुछ किरणों को हमारे वायुमंडल में मौजूद जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये परावर्तित होने से रोक लेती हैं इसे ही क्या कहा जाता है इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस इन किरणों को परावर्तित होने से रोकती हैं तभी तो पृथ्वी पर जीवन संभव है मतलब कि आप ही लोग सोचिए कि यदि सभी किरणें परावर्तित होकर के अंतरिक्ष में लौट जाएंगी इससे क्या होगा हमें धूप नहीं मिलेगी और पृथ्वी पर अत्यधिक ठंड के कारण इंसानों का रहना ही मुश्किल हो जाएगा खेती मुश्किल हो जाएगी अब खेती नहीं होगी तो दुनिया की आबादी का पेट भरना भी मुश्किल हो जाएगा इसलिए अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं क्या फिर ये अच्छी हैं या फिर खराब हैं तो देखिए जब तक पर्यावरण में इसका बैलेंस बना हुआ है मतलब कि ना तो ये ज्यादा है ना ही कम है बैलेंस अवस्था में है तब तक तो ये अच्छी है तो अब यह है कि इंसानी गतिविधियों के कारण पर्यावरण में कार्बन और मिथेन इसकी मात्रा बढ़ने लगी है और जब इन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि वह सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैग्निकरणें हैं मतलब कि उन्हें ज़्यादा सोखेगी जिससे क्या होगा कि गर्मी बढ़ेगी और इस तरह पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा यहीं से क्लाइमेट चेंज की समस्या शुरू होती है तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की यह भी तो ग्रीन हाउस गैस है इसी गैस का लगातार उत्सर्जन बढ़ते जा रहा है जिसके कारण वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये वर्ष सबसे गर्म वर्ष हो सकता है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने भारत को अपनी ट्रैवल रेड लिस्ट में शामिल किया है तो हाल ही में जो ब्रिटेन है इसके द्वारा भारत को ट्रेवल रेड लिस्ट में शामिल किया गया है अब यह है क्या तो भारत में जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में न्यूजीलैंड के द्वारा भारतीय नागरिकों पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया गया है ताकि भारत का को कोई भी नागरिक न्यूजीलैंड ना जा पाए जिससे कि वहाँ संक्रमण ना फैले क्योंकि भारत ये पूरी दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है तो अब ब्रिटेन ने क्या किया है कि भारतीयों को रोकने के लिए कि कोई भी भारतीय ब्रिटेन ना आ सके इसके लिए भारत को ट्रेवल रेड लिस्ट में डाल दिया है मतलब ये हुआ कि जब तक ब्रिटेन गवर्नमेंट अगला आदेश नहीं ला देती तब तक कोई भी भारतीय ब्रिटेन की यात्रा नहीं कर पाएगा और इसलिए अभी हाल ही में ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन इन्होंने दोबारा से अपना भारत दौरा भी रद्द किया था तो ये है यूके यूके की कैपिटल है लंदन करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग देखिए एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखेंगे कि अभी तो इसकी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है लेकिन जल्द ही बंद होने वाली है बंद होने वाली ही कहने का मतलब है कि हाल ही में ब्रिटेन ने अपनी एक नई डिजिटल करेंसी जिसका नाम है ब्रिट कॉइन इसकी घोषणा कर दी है अभी डिजिटल करेंसी क्या होती है तो यदि आप लोगों को याद होगा तो मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि जो तर्की है इसके द्वारा एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है बिटकॉइन इस पर बैन लगा दिया गया है ध्यान दीजिए तर्की ने ब्रिट पर बैन लगाया है लेकिन ये जो ब्रिटेन है जो अपनी नई करेंसी लाने जा रहा है डिजिटल करेंसी इसका नाम ब्रिट है ये क्या है पूरा मैटर क्या है इसके बारे में कल हम डिटेल में चर्चा करेंगे और प्राइम मिनिस्टर तो मैंने बता ही दिया ये है बोरिस जॉनसन स्ट्रेट तो आप लोगों को मालूम है इंग्लिश चैनल और इसे तैर कर भी पार किया जाता है ऐसी पहली भारतीय महिला जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था ये है आरती साहा जबकि पहले भारतीय हैं मिहिर सेन अगला क्वेश्चन है बतौर कैप्टन एक ही क्रिकेट टीम से 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं तो ये बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी इन्होंने एक ही क्रिकेट टीम से मतलब कि चेन्नई सुपर किंग्स से ही 200 मैच खेलने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं तो यदि हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की तो इनसे रिलेटेड एक फैक्ट है जो कि आप एडिशनल तौर पर याद रख सकते हैं आई से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले ये पहले व्यक्ति है हालांकि आई से सौ करोड़ कमाने वाले में चार भारतीयों के नाम हैं कौन कौन हैं महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली सुरेश रैना और रोहित शर्मा लेकिन डेढ़ सौ करोड़ से भी अधिक कमाने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी और इसके अलावा ये ड्रीम इलेवन इसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं सुरेश रैना इनसे रिलेटेड एक फैक्ट है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था इनकी एक आत्मकथा है बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी जो कि अगले महीने लॉन्च होनी है इन्हीं के द्वारा जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए दस क्रिकेट स्कूलों में क्रिकेट एकेडमी खोले जाने की घोषणा की गई क्रिस गेल ये पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं और आई में साढ़े तीन छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं क्रिस मॉरिस ये बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं इस साल के आई के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं सिक्सटीन करोड़ में खरीदा गया है ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा है तो इसमें टॉप पर रहा है नॉर्वे ये इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है डब्ल्यू ई e. एफ यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और ये जो इंडेक्स है ये 115 देशों के नेट ज़ीरो उत्सर्जन को मापता है नेट ज़ीरो उत्सर्जन ये क्या है तो ये उस स्थिति को कहते हैं जब मानव द्वारा उत्सर्जित जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया है तो इन ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल से हटा करके संतुलित किया जा सके अब इससे आप क्या समझ रहे हैं मान लीजिए मानव ने इतना कार्बन उत्सर्जित किया है वायुमंडल में अब इतने ही मात्रा में यदि ये उसे संतुलित कर दे कैसे संतुलित करेगा इसे हटा करके हटाया तो नहीं जा सकता लेकिन संतुलित करने का मतलब है कि इतना इसने उत्सर्जन किया है इतनी ही मात्रा में यदि ये पेड़ लगा दे ग्रीनरी को बढ़ावा दे जिससे कि ये बैलेंस बन सके तो इस बैलेंस को बनाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं इसी तरह ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है तो इस नेट ज़ीरो उत्सर्जन की माप में दी देखा जाए इस मामले में टॉप पर है स्वीडन 115 कंट्रीज के बीच ये सर्वे जारी किया जाता है जिसमें अपने देश भारत की रैंकिंग ये है एट्टी यदि हम बात करें स्वीडन की जो कि एक यूरोपीय कंट्री है इसकी कैपिटल है स्टॉक करेंसी है स्वीडिश क्रोन हाल ही में एक और इंडेक्स रिलीज किया गया था इंटरनेट सूचकांक जिसमें कि स्वीडन ये रहा था टॉप पर इंडिया की रैंकिंग है 49 बगल में ये जो आप देख रहे हैं नॉर्वे अच्छा नॉर्वे ये किस इंडेक्स में टॉप पर है तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसमें नॉर्वे रहा था टॉप पर इंडिया की रैंकिंग है 142 डेनमार्क और न्यूजीलैंड ये किस मामले में टॉप पर है करप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में जबकि इंडिया की रैंकिंग इसमें एट्टी बताई गई है अगला क्वेश्चन है हाल ही में द क्रिसमस पेक नामक किताब किसने लिखी है तो ये किताब अभी हाल ही में प्रसिद्ध लेखक जेके रॉलिंग के द्वारा लिखी गई है और आप लोगों ने हैरी पॉटर मूवी तो देखी ही होगी जिसने कि पूरी दुनिया में धूम मचाई थी तो इस हैरी पॉटर की भी राइटर ये जे के रॉलिंग ही है और अभी तक यदि आप लोगों ने इनकी जीवनी नहीं पढ़ी है तो मेरा आज आप लोगों को यही सजेशन है कि जिन्होंने नहीं पढ़ी है इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा इनसे रिलेटेड मतलब कि इनकी ज़िंदगी से रिलेटेड आप लोगों को यूट्यूब में ढेरों वीडियो मिल जाएंगे और ये वीडियो उन लोग के लिए है जो कि हताश हो चुके हैं जीवन में कि ये नहीं मिल रहा या वो नहीं मिल रहा सक्सेस कब मिलेगी तो मेरा सजेशन है कि एक बार आप इनके जीवन के बारे में ज़रूर पढ़िए आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है इसका जीता जागता उदाहरण ये जेके रॉलिंग की स्टोरी पढ़ करके आप लोगों को समझ में आ जाएगा यू ही नहीं ये ब्रिटेन की सबसे अमीर महिला बनी थी आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा तो द क्रिसमस पिक किताब ये जेके रॉलिंग ने ही लिखी है यदि हम बात करें रस्किन बॉन्ड की तो हाल ही में इनकी एक किताब लॉन्च की गई जिसका नाम है हाउ टू बिकम अ राइटर संजय बारू इनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जबकि शशि थरूर इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है इसका नाम है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर रीमा हुजा के द्वारा लिखी गई किताब का नाम है महाराणा प्रताप द इनविजल वॉरियर्स जिसमें कि महाराणा प्रताप के द्वारा हल्दीघाटी मतलब कि इन्होंने हल्दीघाटी युद्ध में जो अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है इसके बारे में बताया गया है यह क्वेश्चन रिविजन के लिए रखा गया है भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर जिसका नाम है माना फॉरेस्टा ये कहाँ बनाया गया तो ये बनाया गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में जो कि आप देख पा रहे हैं तो ये जो माना फॉरेस्ट है, है ये एक तरह का अपार्टमेंट है ये एक बहुमंजिला इमारत है जिसमें कि लोगों को रहने के लिए फ्लैट दिए जाएंगे इसे पूरी तरह से ग्रीनरी को ध्यान में रख करके बनाया गया है और ये है भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर यदि हम बात करें नई दिल्ली की तो नई दिल्ली में भारत का मतलब कि दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है गुजरात में मतलब कि लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है असम के जोगी गोपा में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इसकी भी आधारशिला रखी गई है कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था सुनील अरोड़ा अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच